हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल को जो मैंने वीडियो बनाया, अगर आप लोग वो वीडियो को नहीं देखे तो ये वीडियो को आप लोग समझ नहीं पाएंगे, तो वो वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो अगर आप लोग चाहे तो इस वीडियो के लास्ट में जाके उस वीडियो को भी एक बार चेक कर लीजिए। ओके, तो कल को जो मैंने वीडियो बनाया वहाँ पे जितना हो सके मैं क्लियर करने का कोशिश किया, मगर शायद मुझसे दो तीन क्वेश्चन जो है छूट गया था। इसके लिए मैं कल से कंटिन्यूअसली सेम टाइप का दो तीन क्वेश्चन रिसीव करना चालू कर दिया। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, हर एक वर्कर के लिए ये वीज़ा चालू है कि नहीं। वर्कर मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, या तो फिर कोई मैनेजमेंट से बिलोंग करता है, तो इन सब के लिए भी ये वीज़ा चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास जो आ रहा है वो है, हर एक कंट्री के लिए ये इशू हो रहा है कि नहीं, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी इसमें शामिल है कि नहीं, ना कि सिर्फ लोअर ईस्ट कंट्री के लिए अप्रूव हो रहा है। ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, इसके लिए भी मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है। और थर्ड क्वेश्चन जो मेरे पास रिसीव हो रहा है वो है, क्यूबीसी कब ओपन हो रहा है। ओके, तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको यही तीन क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो का लास्ट तक बने रहे। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन जो मुझे सबसे ज्यादा रिसीव हो रहा है, मैं तो डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैनेजमेंट से बिलोंग करता हूँ, तो वर्कर लोगों के लिए वीजा ओपन हो रहा है, तो हम लोग इस वीजा में जा सकते हैं कि नहीं। मैं पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी में बेसिकली दो कैटेगरी होता है। फर्स्ट कैटेगरी कंपनी का ओनर होता है, सेकंड कैटेगरी कंपनी का वर्कर होता है। वर्कर में फिर से दो कैटेगरी आता है, एक है ब्लू कॉलर कैटेगरी, एक है व्हाइट कॉलर कैटेगरी। यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी का नाम नहीं लिया गया है, मतलब यहाँ पे हर एक वर्कर का ही बोल रहा है। आप लोग किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, आप लोग अभी जो न्यू वीजा चालू होने वाला है इसमें आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैक्सिमम मुझे रिसीव हो रहा है वो है, हर एक कंट्री से आदमी लोग जा सकता है कि नहीं जा सकता है। यहाँ पे लो रिस्क कंट्री, हाई रिस्क कंट्री, ऐसा हर एक कोई आदमी लोग जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो न्यूज पब्लिश हुआ था यहाँ पे लिखा हुआ था कि फॉरेन वर्कर एंट्री मैकेनिज्म विल कंटिन्यू टू बी इंप्लीमेंटेड एज पर द ट्रैवल एंड रिटर्न पॉलिसी ऑफ द कतर। ओके, यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया गया है कि पर्टिकुलर आप लोग हाई रिस्क कंट्री से होंगे तो आ सकते हैं, लो रिस्क कंट्री से होंगे तो आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया गया है। फिलहाल तो इस न्यूज से कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा है, मगर और दो दिन बाकी, आज को 13 नवंबर हो चुका है ऑलरेडी, और दो दिन बाकी, दो दिन बाद से हम लोग को पता चल ही जाएगा कि कौन सा कंट्री से आदमी लोग आ सकता है, कौन सा कंट्री से नहीं आ सकता है। यहाँ पे कोई भी कंट्री का नाम नहीं लिखा हुआ है, मेंशन नहीं किया हुआ है, इसलिए मुझे जो लगता है ये हर एक कंट्री के लिए एप्लीकेबल है। और थर्ड जो क्वेश्चन है वो भी जो सबसे ज्यादा मुझे रिसीव हो रहा है वो है, क्यूबीसी कब ओपन होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्यूबीसी तभी ओपन होता है जब हम लोग का वीजा ऑलरेडी लग जाता है। ओके, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, वीजा ऑलरेडी लगने के बाद क्यूबीसी से अपॉइंट लेना पड़ता है, उसके बाद मेडिकल सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद जाके वीजा हम लोग का रेडी टू प्रिंट में आता है। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल क्यूबीसी कब ओपन होगा इसका न्यूज तो गवर्नमेंट से अभी तक नहीं आया, मगर वीजा आपका मंडे ऑनवर्ड चालू हो जाएगा। वीजा अगर ओपन हो जाता तो क्यूबीसी के बिना वीजा तो रेडी टू प्रिंट में आएगा ही नहीं। अभी जो भी होने वाला है मैं आपको अपडेट देते रहूंगा क्या होने वाला है या तो फिर क्या हो रहा है। ओके, तो फिलहाल तो अभी गवर्नमेंट से क्यूबीसी के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, वीजा इशू होना चालू हो जा रहा है, यही सबसे बड़ा बात है। वीजा एक बार अगर इशू हो गया तो मेडिकल यहाँ पे हो या कतर में जाकर हो, डजंट मैटर, इट्स डिपेंड अपॉन योर वीजा कि वीजा कैसा लग रहा है, वीजा में क्या आ रहा है, रिटू पिन डायरेक्ट आ रहा है या आउटसाइड प्रोसेस आ रहा है। अगर आउटसाइड प्रोसेस आ रहा है मतलब आपका क्यूबीसी भी आजकल के अंदर ऑलरेडी चालू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मुझे और एक क्वेश्चन जो बार बार रिसीव हो रहा है कि अभी कौन कौन सा वीजा इशू होना चालू हो रहा है, अभी बिजनेस वीजा, विजिट वीजा या तो फिर फैमिली एसेंट वीजा भी इशू होना चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि गवर्नमेंट साइड से अभी सिर्फ नया वर्क वीजा के बारे में ही लिखा हुआ है, दूसरा कोई भी वीजा के बारे में अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है। तो हम लोग एक उम्मीद रख सकते हैं कि दिसंबर मिड तक धीरे धीरे सारे वीजा इशू होना चालू हो जाएंगे। ओके, तो आज को यही तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे इस वीडियो के थ्रू कवर करना था, तो अभी शायद आप लोगों का टोटल जो डाउट था वो टोटल क्लियर हो गया। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।